अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमने तमहीदी वीडियो में मसावात समझी है। अब मसावात बनाना ये हम समझेंगे। यहाँ पर पहली मिसाल है 14 * 4, तो हम इसको मुतवाजन करेंगे, मसावात बनाएंगे बुनियादी अमल करके। पहला अमल हम करेंगे, जब यहाँ तफरीक है हम इसको जमा के ज़रिए क्या करेंगे, मसावात बनाएंगे। अब यहाँ पर 14 में से 4 गए तो कितने बचते, 10, तो हम 1 5 जमा 5, ये भी क्या होते हैं, 10 होते हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर आ गए, ये मसावात बन गई, ये मसावी हो गए, दोनों मसावी बन गए। अब यहाँ पर 24 जमा 6 कितने होते हैं, 30, तो हमको क्या करना है, यहाँ 60 * 30, तो कितना आएगा उसका जवाब, 30, तो ये क्या हो गए, मसावी हो गए, 24 जमा 6 30, 60 में से 30 गए, ये भी 30, ये दोनों भी क्या हो गए, मसावात बन गई, यानी ये दोनों मसावी हो गए। अब 6 + 2 यानी कितने होते हैं, 12, 6 + 2 यानी 12, 12 हम क्या करेंगे, तकसीम के जरिए 24 * 2, तो क्या जवाब आता है उसका, 12, यानी 6 + 2 और 24 * 2, ये क्या हो गए, मसावी हो गए। अब 45 * 5 क्या आता है उसका जवाब, 9, हम ज़र्ब के जरिए मसावात को मुतवाजन करेंगे, 3 + 3 कितने हो गए, 9, यानी ये दोनों का जवाब भी क्या आ गया, 9, इसका भी 9। इस तरह बुनियादी अमल करके जमा, तफरी, तकसीम, ज़र्ब और अदली बदली करके मसावात को मुतवाजन किया जाता है, मसावी बनाया जाता है।